स्वागत करती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ हल्दी के लिए और ये मेरा लुक है। आज हल्दी के फंक्शन के लिए मैंने बाल बांध दिए हैं, बाल वॉश नहीं किए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे भी सर पे तो साड़ी पल्लू ही आएगा, तो उतना कुछ नहीं है बालों का। बिंदी मुझे लगता है दूसरी लगा लीजिए क्योंकि उठ के नहीं देख रही है, चेंज कर लूँगी। तो आप बताइए मैं कैसे लग रही हूँ ये साड़ी में लुक में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपको ले चलती हूँ अंदर, दिखाती हूँ सारे फंक्शंस। बिंदी मैंने चेंज कर लिया, अब ये वाली लगा ली बिंदी मैंने। और आपको आवाज आ रही होगी, सत्यनारायण पूजा स्टार्ट हो गई है तो अब हम जाएंगे पूजा। पहले मुझे दुल्हन को रेडी करना है, जिसकी शादी है उसको पहले रेडी कर लूँगी, उसके बाद जाएंगे पूजा में। उसके बाद गांव में जाना होगा माटी कटाई की रस्म के लिए, तब चलती हूँ, पहले उसको रेडी कर लेती हूँ। सो हल्दी चढ़ने से पहले ढोलक पूजा, माटी कटाई की रस्म होती है, तो उसके पहले भी होगी सत्यनारायण की पूजा, जिसमें जो भी दुल्हन है, लड़की है, उसके माता पिता बैठेंगे और पूजा संपन्न होगी। पंडित जी आ गए, सारी तैयारियां भी हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ढोलक है हाथ में, और जिनके हाथ में ढोलक है वो नाई है गांव की, गांव की औरतें भी यहाँ पर शामिल हुई हैं और ये गांव से ही आई है। पहले इनको जी मेरी मौसी है जिनकी बेटी की शादी है, पहले तेल लगाएंगी उनको, उसके बाद उनको सिंदूर लगाएंगी, नाक पर से सिंदूर लगेगा। इस रस्म के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, इतना पता है कि ढोलक की पूजा होगी और माटी कटाई की रस्म होगी। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में इस रस्म को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं कमेंट को पिन कर दूँगी ताकि जिसको नहीं पता है उनको भी पता चले कि रस्म होती क्या है। के कहता है आप जैसा कोई वक्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिगण, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सदैव तुम प्राणियों की चाहते हो। हे सोनक, सुनो, मैं आपसे उत्तम वत को लगावे के लिए
उत्तम सत्यनारायण के व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुख। माती का तई की रस्म स्टार्ट हो गई है। तो इसमें इसके पहले हर चीज़ के पहले पूजा की जाती है, उसको स्वच्छ किया जाता है, उसके बाद ही रस्म स्टार्ट होती है। लड़की की माँ करती है ये पूजा, लेकिन इसमें ननंद का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अगेन अगर आप लोगों को किसी को भी इस रस्म के बारे में पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, माती का तई की रस्म और बुआ का इसमें क्या रोल होता है। बहुत लोग जानते होंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग जुटे हैं गाँव के, आप देख सकते हो कितने सारे लोग जमा हो गए। मिट्टी लेकर आते हैं घर पर देवता के पास, उसको रखा जाता है, शादी में उसकी भी पूजा की जाती है। जैसे हल्दी चढ़ेगी ना, तो जो मिट्टी लाए हैं गिल्ली मिट्टी, उनकी पूजा होगी, साथ साथ उसके बाद ही लड़की को हल्दी चढ़ाया जाएगा। सारी औरतें वापस जा रही है घर की तरफ, क्योंकि अब हल्दी चढ़ाने की रस्म शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ पे बहुत ही रीति रिवाज के साथ सारी हल्दी की रस्में होती है। हल्दी की रस्म में आपको पता चलेगा कि बिहार में किस तरह से हल्दी चढ़ती है। टीवी सीरियलों की हल्दी अलग होती है, बट रियल में गाँव की हल्दी जो है वो आप देखोगे आगे आगे वीडियो में कि किस तरह से सम्पन्न होती है। अब हल्दी चढ़ेगी लड़की को, तो हल्दी की रस्म मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एक लाइक एक कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।